हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेक्टर अलजेब्रा की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट जो है हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उन सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पूरे चैप्टर का। और 12th क्लास के काफ़ी सारे चैप्टर जो है हम अपने चैनल पर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं देखे हैं तो सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस वीडियोस को, प्रीवियस चैप्टर्स को भी अच्छे से ज़रूर देख लें। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज वेक्टर अलजेब्रा की। देखो भाई, इसमें बोल रहा है राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। आपको एक यूनिट वेक्टर लिखना है एक्स वाई प्लेन में, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा यूनिट वेक्टर आपको लिखना है एक्स वाई प्लेन के अंदर। देखो भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आपको बोले कि भैया एक्स वाई प्लेन के अंदर एक यूनिट वेक्टर लिखो, एक्स वाई प्लेन के अंदर एक यूनिट वेक्टर लिखो, तो याद रखना वो होता है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये आपको याद रखना है। ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर है और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। देख लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। तो कभी भी आपको बोलेगा कि एक्स वाई प्लेन के अंदर एक यूनिट वेक्टर लिखो तो वो यही होगा। लेकिन उसने बोला कि ये यूनिट वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो थीटा आपको 30 डिग्री यहाँ पर पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा कॉस 30 आई कैप प्लस साइन 30 जे कैप। तो कॉस 30 कितना होता है भाई, √3/2 आई कैप, और साइन 30 होता है 1/2। तो ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, और यूनिट तो है ही क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है भाई, फाइंड द स्केलर कॉम्पोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एम क्यू। तो इसके अंदर एक P पॉइंट है भाई, x1 y1 z1, और एक Q पॉइंट है x2 y2 z2, और आपको निकालना है पी क्यू वैक्टर। ठीक है भाई, पी क्यू वैक्टर जो है उसके स्केलर कॉम्पोनेंट और उसका मैग्नीट्यूड। तो भाई P टू Q जाओगे तो क्या करते हैं, ओ क्यू माइनस ओ पी, ऐसे करते हैं ना, डिफरेंस ले लो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। तो ये बन गया वेक्टर। इसके स्केलर कंपोनेंट की अगर बात करें तो स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं भाई, जो भी आई जे के साथ लिखा हुआ है वो इसके स्केलर कंपोनेंट है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, जो भी i के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, j के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, और k के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो इसके स्केलर कंपोनेंट हो गए जो i j k के साथ लिखे हैं, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया जो i के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, j के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, k के साथ लिखा है उसका स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं, अब देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये साइंस वाले तो बड़ी प्यार से समझ जाते हैं, उनको समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जहां बात आती है कॉमर्स वालों की, उनके साथ ये दिक्कत वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, जो साइंस वाले हैं वो भी बड़ी प्यार से समझ जाएंगे, और जो कॉमर्स वाले हैं उनके हिसाब से भी फिर मैं इसको समझाऊंगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि जहां पर साइंस घुस जाती है वो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। वैसे ही कॉमर्स वाले बेचारे मैथ से परेशान होते हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में तो आता नहीं है, पता नहीं कुछ यूज़ तो है नहीं, ये वो बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, तो बेचारे और परेशान हो जाते हैं ये सब क्वेश्चन देखकर। ठीक है भाई, तो दोनों तरीक़ों से मैं समझाता हूँ। बोल रहा है अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। एक लड़की जो है 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चल गई। तो भाई ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है सॉरी ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, और ये होता है साउथ। ठीक है भाई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। ठीक है भाई, तो बोल रहा है लड़की जो है 4 किलोमीटर चली वेस्ट की तरफ। तो मैं यहाँ से अगर मैं इसको ओ मान लूँ ओरिजिन, तो लड़की जो है इस तरीके से चली, ओ से लेकर के ए तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा 4 किलोमीटर का। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन भी आ गई।
बोल रहे देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री की डायरेक्शन बनाते हुए वो 3 किलोमीटर चली। देखो भाई यहाँ से वो 30 डिग्री चली कहाँ पर, ये वाला जो एंगल है ना 30 डिग्री है, ठीक है भाई, और ये अभी ये है और ये है 3 किलोमीटर। समझ में आया? तो पहले वो 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई, फिर वो नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री नॉर्थ के ईस्ट में 3 किलोमीटर चली वो। तो बोल रहा है वो आगे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। इनिशियल पॉइंट से वो कितना दूर है ज़रा वो बता दो, यानी कि अगर मैं इसको ए और इसको बी मान लूँ तो आपको ये ओ बी बताना है। फिर से मैं एक बार समझाता हूँ आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ट्रिकी है, आराम से समझना, इसको कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो बोल रहा है एक लड़की 4 किलोमीटर जो है ये वेस्ट की तरफ गई, फिर यहाँ से ये नॉर्थ के ईस्ट में तो नॉर्थ का ईस्ट यही तो होगा, ईस्ट की तरफ उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया और वो 3 किलोमीटर चली, बी पर जाके रुक गई। बोल रहा है इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है ज़रा वो बता दो। तो हमें ए बी वैक्टर निकालना है, ठीक है भाई, मतलब ए बी वैक्टर तो मुझे निकालना ही है, लेकिन मुझे क्या करना है, मेनली ओ बी वैक्टर फाइंड करना है मेरे को, वी हैव टू फाइंड ओ बी वैक्टर। तो सबसे पहले आप ओ ए वैक्टर निकालो। देखो भाई ओ ए वैक्टर की अगर बात करें, ये है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यहाँ पर सिर्फ लड़की जो है एक्स एक्सिस पर चली है, वो भी नेगेटिव साइड में। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, माइनस का 4i कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस पर चलते हैं तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और मैग्नीट्यूड कितना है 4, और यूनिट वेक्टर लगा देंगे आई कैप, क्योंकि यहाँ पर वो एक्स वाई प्लेन में नहीं चली है, यहाँ पर सिर्फ उसका एक ही कंपोनेंट चेंज हो रहा है, दैट इज एक्स एक्सिस। भाई वो स्ट्रेट लाइन में चली जा रही है, दोनों कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहे, यहाँ पर सिर्फ जो वो चल रही है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रही है, तो सिर्फ आई कैप आएगा, जे कैप की बात भी नहीं होगी। नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। अब यहाँ पर देखो, जब वो ऐसे चलना स्टार्ट हो गई तो यहाँ पर एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। भाई जब बंदा जो है टेढ़ा चलता है, मतलब जैसे मान लो ये है, वो ऐसे चल रहा है, तो भाई उसका एक्स भी बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं उसकी। तो साइंस वाले मैंने बोला इस बात को जल्दी समझ जाएंगे। देखो भाई जैसे मान लो ये एक वेक्टर है ए बी, तो साइंस वालों को पता है अगर ये एंगल 30 है तो ये 60 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पर वेक्टर के जो कॉम्पोनेंट होते हैं ना, ये होता है ए बी कॉस थीटा और ये होता है ए बी साइन थीटा। तो साइंस वालों को तो ये बात पता ही है कि वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है दैट इज ए बी साइन थीटा। तो अगर आपको ए बी वेक्टर लिखना है, साइंस के टर्म्स में बता रहा हूँ अभी, तो आप इसको क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा आए मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पर प्लस ए बी साइन थीटा जे, ये आपको बताएगा कि वो एक्स एक्सिस में कितना चली और ये आपको बताएगा कि वो वाई एक्सिस में कितना चली, ठीक है भाई। ए बी कॉस थीटा है, ए बी साइन थीटा जे, और अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीट्यूड तो 3 है ना और कॉस 60 डिग्री, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड है तो साइन 60 डिग्री। तो ए बी वैक्टर कितना हो जाएगा, साइन कॉस 60 कितना होता है 1/2 और साइन 60 √3/2। तो ए बी वैक्टर कितना हो गया, 3/2 √3/2 j। तो ये आ गया अपना ए बी वैक्टर। अब मैं ओ ए वैक्टर भी निकाल चुका हूँ और ए बी वैक्टर भी निकाल चुका हूँ, लेकिन अभी मैंने ये साइंस के तरीके से समझाया, कॉमर्स वाले भी चाहें तो इसको रट सकते हैं कि अगर आपको मान लो कोई भी वैक्टर दे रखा है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल, मतलब जैसे वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको पता लगाना है कि वो एक्स एक्सिस में कितना चला, तो कितना चला होगा ए बी कॉस थीटा, और वो वाई एक्सिस पे कितना चला होगा ए बी साइन थीटा। तो किसी भी वेक्टर जो कि टेढ़ा एक्स वाई प्लेन में, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ए बी कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा ए बी साइन थीटा। बस आपको थीटा भी दे रखा है, मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, पुट कर दिया, ये आपका ए बी वेक्टर आ गया। अगर मान लो ऐसे नहीं समझ में आया तो फिर कैसे समझ में आएगा, मैं वो भी बता देता हूँ। अब जैसे मान लो भाई यहाँ पर मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, मतलब जैसे मान लो ये तो ए बी है ही हमारा, ए बी 3 है, 3 किलोमीटर है, और मैंने क्या करा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एंगल दे रखा है 60 डिग्री।
अब देखो भाई, ये जो वेक्टर है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, एसी तो है, और वर्टिकल क्या है, बीसी तो है। आपको एसी और बीसी निकालना है कॉमर्स वालों, है ना। साइंस में तो बता दिया कि हॉरिजॉन्टल होता है ए बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा। कॉमर्स में कैसे आया वो समझ लो, ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है भाई। अगर आपको ए सी चाहिए तो क्या मैं इसको पहले ए सी अपॉन में ए बी लिख दूँ, ए सी अपॉन में ए बी क्या बना, एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, क्या बन गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज बन गया cos 60 डिग्री। तो ए सी आपको चाहिए, ए बी आपको 3 दे रखा है, cos 60 होता है 1/2, तो ए सी आ गया 3/2, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ए सी आ चुका है 3/2। अब ये ले लो बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी की बात करें तो ये हो गया पी बाय एच होता है sin 60, sin 60 बी सी आपको चाहिए 3, ये √3/2, तो बी सी आ गया आपका 3√3/2, समझ गए आप। तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ गया, वर्टिकल भी आ गया। अब हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वो भी पॉजिटिव साइड में, ऐसे रखूंगा ना इसको, तो क्या लिख गया आई पॉजिटिव आई, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, तुझे ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है और ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो साथ में क्या लगा दो आई और जे, तो कॉमर्स वाले ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है भाई। नहीं तो आप रट सकते हो, तो इसको रट लो कि कोई भी वेक्टर है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ए बी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा ए बी साइन थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओ ए भी हम निकाल चुके हैं, ए बी भी हम निकाल चुके हैं, ओ बी हमें निकालना है। इसमें ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगा अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या बोलता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ये बोलता है कि भाई ये हमारा है, ये देखो भाई इसका टर्मिनल और इसका इनिशियल यहां पर मिल रहा है, तो किन दोनों को प्लस करेंगे, ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी। तो ओ बी वैक्टर क्या होगा, ओ ए प्लस ए बी वैक्टर। तो ओ बी वैक्टर, ओ ए कितना है -4i कैप, ए बी कितना है 3/2i कैप, 3√3/2j कैप। तो इन दोनों में से ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लो 8, माइनस का 5/2i कैप, 3√3/2j। तो लड़की की जो डिस्प्लेसमेंट होगी ओरिजिन से वो ये होगी, ये उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये उसका वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है भाई। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप का भी नंबर दे रखा है, वहाँ पे आकर के डाउट्स पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस कोई भी दिक्कत लगी हो तो पूछ लेना, ऐसी कोई बात नहीं है कि मन में रखो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, देन इट इज ट्रू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा है अगर ए बी प्लस सी है तो क्या मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ए इक्वल टू बी प्लस सी है। देखो भाई अगर मान लो मैं एक ट्रायंगल ले लूं, ये है बी और ये है सी, तो इसका टर्मिनल और इसका इनिशियल मैच कर रहा है, तो दोनों का सम होगा ये रिजल्टेंट, इसको ए माना गया है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर लगाया ना बी प्लस सी ए, ठीक है भाई। तो मैंने ए बी सी क्या मान ली, इसके वेक्टर जो ट्रायंगल की जो साइड्स है ना वो वेक्टर मान लिए मैंने, तो बी प्लस सी ए के बराबर है। अब भाई आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल बनाने के लिए, अगर आपको ट्रायंगल बनाना है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए। भाई अगर ये वेक्टर है तो ये इसके मैग्नीट्यूड हो गए ना, साइड्स की लेंथ हो गई ना, मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ। अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो दो साइड का सम, दो साइड का सम ये बड़ा होता है एक साइड से, ठीक है भाई। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस, ट्रायंगल बनाने की कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस, या फिर आप साइड भी बोल, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है तो देखो दो का सम एक से बड़ा होना चाहिए, किन्हीं भी दो का सम जो है वो एक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा होगा तभी ट्रायंगल फॉर्म होता है, जो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता, अगर ये लगा है तो ट्रायंगल तो फॉर्म हो रहा है,
लेकिन इनके मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हो सकते। मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऐसा नहीं बोल सकते हम कि बी प्लस सी के बराबर है, छोटा होगा बड़ा नहीं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स है, इट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, 5th में क्या बोल रहा है? 5th में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई प्लस जे प्लस कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है, बोल रहा है एक्स की वैल्यू बताओ। देखो भाई ये एक वेक्टर है एक्स ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक्स आई एक्स जे, इसका ज़रा मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या होगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर, कितना हो गया रूट 3x। अब ये तो एक यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई 1 होता है, यानी कि ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस रूट 3x इक्वल्स टू 1, तो x हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाय, भाई रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस दोनों साइन यूज करेंगे ना, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। तो पहले मैंने मैग्नीट्यूड 1 निकाला, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो उसको 1 के बराबर रख दिया, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। आपको एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 यूनिट है एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, और जो इन वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर है। तो ए वेक्टर क्या है भाई 2i प्लस 3j माइनस के, और बी वेक्टर क्या है i माइनस 2j प्लस के। बोल रहा है इनका जो रिजल्टेंट है, पहले इनका रिजल्टेंट निकालो जरा, रिजल्टेंट मतलब दोनों का सम, उसको c मान लेते हैं। प्लस कैसे करते हैं, i को i से 3i, j को j से माइनस प्लस का j, k कैसे k तो गया, ठीक है भाई। तो ये एक वेक्टर हो गया जो कि इनके सम से बना। बोल रहा है एक यूनिट वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, नहीं एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और जो कि इसके पैरेलल है, ठीक है भाई। अब जैसे मान लो एक वेक्टर है भाई सी, मुझे इसके पैरेलल एक वेक्टर निकालना है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है ना 5 गुना होना चाहिए इसके 5 गुना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो आप। यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज़ रूट 10। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, डिवाइड कर दो 3 बाय रूट 10 आई कैप और 1 बाय रूट 10 जे कैप। लेकिन ये एक ऐसा वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन में तो है मगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अभी इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, मगर मैग्नीट्यूड मुझे 5 चाहिए, तो क्या करो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 3 हो जाएगा 15 बाय रूट 10 आई कैप 5 बाय रूट 10 जे कैप। ये एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 गुना है और वो इसी की डायरेक्शन में, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 7वें पर आ जाओ, सेवन में बोल रहा है ए आपको दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तीनों वेक्टर दिए हुए हैं। बोल रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर। तो भाई एक वेक्टर है 2a माइनस बी प्लस 3, मैं इसको नया वेक्टर मान रहा हूँ डी। ए आपको दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के, बी आपको दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 3k i माइनस 2j प्लस k। ये तीन वेक्टर आपको दिए हुए हैं, बोल रहे हैं इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालो, इसके पैरेलल। पहले ये वेक्टर निकाल लूँ तो क्या है भाई, पहले है 2a, मतलब इसको डबल कर दो 2i प्लस 2j प्लस 2k, फिर माइनस b, इसको माइनस कर दो, माइनस का 2i प्लस का j माइनस का 3k, फिर प्लस 3c, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3i माइनस 6j प्लस 3k। तो क्या हो गया वेक्टर, i वाले प्लस करो ये तो गया भाई, और i वाला 3i, फिर j वाले में 2j और j 3j,
3j-6j-3j, 2k 3k 3k गया 2k प्लस का, ठीक है भाई। अब ये एक वेक्टर है मान लो डी, और मुझे इसके पैरेलल वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर निकालना है यानी कि। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 और 18 और 4 √22, तो सबको 22 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 3/√22 i कैप, 3/√22 j कैप, 2/√22 k कैप। तो ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड ए सी। तीन पॉइंट दे रखे हैं भाई आपको, ए 1-2-8, बी 50-2, सी 11-3 और 7। तीन पॉइंट हैं ए बी और सी, बोल रहा है प्रूव करो ये कोलिनियर है। पहले कोलिनियर प्रूव करते हैं फिर बाद में देखेंगे। देखो भाई कोलिनियर अगर आपको बनाना है, सबसे पहले तो आप ओ ए वैक्टर निकालो, पॉइंट को पोजिशन वैक्टर में कन्वर्ट करो, तीन पॉइंट है ना, इनको पोजिशन वैक्टर में कन्वर्ट करो। तो ओ ए वैक्टर क्या होगा, i-2j-8k, और ओ बी वैक्टर होगा 5y + 0j-2k, और ओ सी वैक्टर होगा 11i + 3j + 7k। ओ ए ओ बी ओ सी आ गया, कोलिनियर क्या चेक करते हैं, पहले आप निकालो ए बी वैक्टर। ए टू बी कैसे निकालेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, तो माइनस करो भाई, 5 में से 1 गया 4, 0-2 + 2j, -2 - -8 + 6k, ये ए बी वैक्टर आ गया ए टू बी। अब निकालते हैं बी टू सी, तो ये क्या होगा, सी में से बी माइनस, 11 में से 5 गए 6 आए, 3-0 = 3j, 7 - -2 = 9k, और फिर निकालेंगे सी टू ए यानी कि ए माइनस सी, तो i-11 - 10i, -2 - 3 - 5j - 8 - 7 - 15k। तो ए बी बी सी ए सी तीनों निकल गए। अब तीनों के मैग्नीट्यूड निकालो भाई, पहले ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या होगा मैग्नीट्यूड, 4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, दैट इज 16 + 4 + 36, तो ये हो गया 20√56। तो रूट में 56 को आप कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 2/28, 2√14 लिख सकते हो। फिर निकालो बी सी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 + 9 + 81, दैट इज रूट में 190, और ये 126। 126 को आप मेरे ख्याल से लिख सकते हो 2 के टेबल में 63, 3 के टेबल में 21, 3 के टेबल में 3√14 लिख सकते हो इसको। और लास्ट है सी ए का भी मैग्नीट्यूड निकालो, -10 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर - 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 + 25 + 225, कितना हो जाएगा 125 और 450, नहीं 125, और ये कितना हो जाएगा 350। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो मेरे ख्याल से, इसको आप लिख सकते हो 5√14। देख लो भाई यहाँ पर सी ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 के सम के बराबर है, तो अगर किन्हीं भी 2 का सम 1 के बराबर आ जाता है तो लिखेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर तो हो गया, अब आगे क्या निकालना था, बोल रहा है फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड ए सी, बी ए सी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो निकालो। अब देखो भाई ये लाइन बना लो, पहले आप ए पुट करो 1-2 - 8, फिर आप सी पुट करो यहां पर 11 3 7,
और आप यहां पर b पुट करो जो कि है 50 माइनस 2। जब भी आपको रेशो निकालना हो तो आप क्या करो, k:1 मान लो रेशो को, तो इसको ओरिजिन से ज्वाइन करो जरा। ये होगा OA वेक्टर, OA वेक्टर क्या होगा भाई, i माइनस 2j माइनस 8k, और OC वेक्टर क्या होगा, 11i प्लस 3j प्लस 7k, और आपका आंसर आएगा OB वेक्टर। वो अभी निकालते हैं क्या होता है भाई फॉर्मूला, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो OB वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, k को मल्टीप्लाई करेंगे OC से, k इंटू OC वेक्टर प्लस 1 को OA से, तो OA ही आएगा अपॉन में k प्लस 1, है ना, इसको इससे अपॉन में k प्लस 1, दैट इज टोटल, ऐसे तो निकालते हैं। तो मल्टीप्लाई करो भाई k OC, इसको जरा k से करो, तो ये हो जाएगा 11 k i, 3 k j, 7 k k, और OA तो सेम टू सेम लिख दो, i माइनस 2j माइनस 8k अपॉन में k प्लस 1 OB वेक्टर। तो ये हो जाएगा, इसमें से जरा आप i कैप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 11k प्लस 1, j कैप कॉमन ले लो 3k माइनस 2, k कैप कॉमन ले लो 7k माइनस 8, और ये जो k प्लस 1 है ये इसके नीचे भी लगाओ, इसके नीचे भी लगाओ, इसके नीचे भी लगाओ, तो ये आ गया आपका। और OB वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको, 5i 0j माइनस 2k, ये दिया हुआ ना, OB वेक्टर दिया हुआ है 5i 0j माइनस 2k, तो 11k प्लस 1 बाय k प्लस 1 i कैप, 3k माइनस 2 बाय k प्लस 1 j कैप, 7k माइनस 8 बाय k प्लस 1 k कैप। तो भाई दोनों वेक्टर अगर सेम है तो j वाला j वाले के इक्वल होगा, 3k माइनस 2 बाय k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से k प्लस 1 तो मर गया उधर जाकर, 0 हो गया, k की वैल्यू आ गई 2/3, तो रेशो क्या होगा जिसको बी ए सी को डिवाइड कर रहा है, दैट इज 2:3। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन में बोल रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो भाई दो पॉइंट है पी और क्यू, और एक आर आपको पॉइंट निकालना है जो कि इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं 2a प्लस बी और a माइनस 3b, ओरिजिन से ज्वाइन करो, तो ये दिया हुआ है 2a प्लस बी, और इसको ज्वाइन करो ओरिजिन से, तो ये उधर रखा है a माइनस 3b, और r जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 1:2 में, तो यहाँ पे r को कहीं यहाँ बांध लेते हैं, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1 और ये पूरा हो जाएगा 2। मुझे क्या करना है, ओ आर निकालना है, ये आर में पोजीशन वेक्टर निकालना है इसका आर, पहले यहाँ तक करते हैं। तो भाई एक्सटर्नली का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नली का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर का एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर अपॉन में एम माइनस एन। तो पहले क्या करेंगे, 1 को इससे, ये एम है ये एन है, 1 को कर दो इससे, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, सेम माइनस 2 को इससे करूंगा तो 2 2 4a, और माइनस का ही हो जाएगा 2b अपॉन में 2 माइनस 1 एम माइनस एन। ठीक है भाई, तो इसका आंसर कितना आया, एक मिनट, 1 माइनस 2 होगा ना, उसको माने ना वो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3a माइनस का 5b अपॉन में माइनस का 1, दैट इज 3a प्लस 5b, यानी कि ये वेक्टर भी आ गया 3a प्लस 5b, r वाला भी आ गया। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये आ गया हमारा। अब इसमें क्या बोल रहा है, आगे आगे बोल रहा है शो दैट p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ। तो भाई आप क्या करो, RQ का मिड पॉइंट p होगा ऐसा प्रूफ करना है, तो मैं मिड पॉइंट निकाल रहा हूं RQ का, मिड पॉइंट ऑफ RQ निकालो जरा, क्या होता है फॉर्मूला RQ का, तो OR प्लस OQ डिवाइड बाय 2, ये होता है फॉर्मूला। OR कितना आया, 3a प्लस 5b, और ये कितना है, a माइनस 3b,
तो 3a प्लस 5b और ये कितना है a माइनस 3b, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 2b, 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 3a प्लस b, एक मिनट 4 होगा ना ये, तो 2 से डिवाइड करूँगा तो 2a प्लस b, देख लो भाई 2a प्लस b p तो दे रखा था, देख लो OP तो है ही, तो प्रूव हो गया ये इसका क्या है मिड पॉइंट। तो यहाँ पे तो सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगा है बस एक्सटर्नल वाला और ये तो मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 10, टेन में बोल रहा है द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दिस एंड दिस, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी मान लेते हैं, इसकी ये वाली एडजेसेंट साइड दी हुई है 2i माइनस 4j प्लस 5k, और ये वाली साइड दी हुई है i माइनस 2j माइनस 3k, i माइनस 2j माइनस 3k। बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, जो इसकी डायगोनल के पैरेलल है ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब ये इस टाइप डायगोनल के पैरेलल, ठीक है भाई, तो डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर में बताया था, अगर मैं इसको a मान लूं 2i माइनस 4j प्लस 5k और इसको b मान लूं i माइनस 2j माइनस 3k, तो जो इसकी डायगोनल है ac वेक्टर है ना, वो होता है इनका सम, वो क्या रिप्रेजेंट करता है इनका सम, तो प्लस करो 3i माइनस 6j प्लस 2k, तो इसको मैं नया वेक्टर मान लेता हूँ c, c है इन दोनों का सम, मुझे क्या करना है इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये तो सिंपल ही है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 36 प्लस 4 49, 49 का होता है 7, तो 7 से डिवाइड कर दो 3 बाय 7 आई 6 बाय 7 जे 2 बाय 7, तो ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर, मतलब इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर वो ये होगा। अब बोल रहा है इसका एरिया भी बताओ, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था, एरिया का फॉर्मूला होता है क्रॉस करके मैग्नीट्यूड, तो भाई ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले, कैसे निकालते हैं आई जे के, तो क्या होगा 2 माइनस 4 5 और 1 माइनस 2 माइनस 3, तो क्रॉस कैसे करेंगे आई लिखो पहले, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया माइनस प्लस 12 और ये हो जाएगा माइनस 10 लेकिन प्लस 10 लिखना है, फिर जे ये वाला रो ये वाला कॉलम गया माइनस 6 ये प्लस 5 आ रहा है लेकिन माइनस 5 और ये वाला रो ये वाला कॉलम गया माइनस 4 ये माइनस 4 लेकिन प्लस 4 लिखेंगे, तो क्या होगा 22 आई और 11 प्लस का 11 जे, ये तो जीरो हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। देखो भाई वैसे तो आप इसको 484 121 प्लस करके इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए ताकि इजी रहे, 22 को लिख लो 2 इंटू 11 का, 2 इंटू 11 लिख लूँ ना इसको, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर बचा 2 का स्क्वायर प्लस 1 बचा, यहाँ पर 11 का स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और ये हो जाए तो 11 root 5, तो इससे मैं बच गया वो एलसीएम वाले चीज़ों से, ठीक है ना, तो इसका एरिया क्या होगा 11 root 5 यूनिट्स, कोई दिक्कत नहीं है। 11 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, देखो भाई 11 में बोल रहा है शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड आर दिस, बोल रहा है एक ऐसे वेक्टर जो कि तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है उसके डायरेक्शन को साइंस ये होंगे, प्रूव करो। फिर से समझ लो, एक वेक्टर देखो भाई एक वेक्टर
एंगल बनाता है एक्स के साथ, अल्फा, बीटा और गामा। बोल रहा है अगर ये तीनों बराबर है, ऐसे वेक्टर जो कि तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, उसके डीसीज ये होंगे, प्रूफ करो। 1/√3, 1/√3, 1/√3 प्रूफ करना है। तो भाई अगर तीनों के, अगर अल्फा बीटा गामा बराबर हैं, तो तीनों के कॉस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी बराबर होगा। इसको एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं, यानी कि तीनों के एलिमेंट बराबर है। और मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये वन होता है। तीनों इक्वल हैं तो क्या मैं तीनों को एल स्क्वायर लिख दूं? 3L² क्या हो गया, एल स्क्वायर क्या हो गया, एल क्या हो गया, प्लस माइनस होता है, लेकिन माइनस वाले को इग्नोर कर देंगे क्योंकि वेक्टर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। तो एल क्या हो जाएगा, 1/√3, एम क्या हो जाएगा, 1/√3। तो एलिमेंट क्या होते हैं, तो डीसीज क्या होंगे जो इक्वल एंगल बना रहा है, 1/√3, 1/√3, 1/√3। ठीक है भाई, वेक्टर जो है मतलब ये जो एंगल्स बनते हैं ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही बनते हैं, नेगेटिव के साथ नहीं लेते, इसलिए पॉजिटिव लिया बस, नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। तो ऐसा वेक्टर जो कि तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, उसके डीसीज ये होंगे। 12th पर आ जाओ। ट्वेल्थ में बोल रहा है भाई ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दे रखा है। पहले लिख लेते हैं, ए वेक्टर है आई प्लस 4j प्लस 2k, बी वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 7k और सी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 4k। बोले फाइंड द वेक्टर d, आपको d वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। d जो है वो परपेंडिकुलर है a के, वो परपेंडिकुलर है b के, एंड c डॉट d इज 15 और सी डॉट डी आपको कितना दिया हुआ है, 15। तो डी वेक्टर लेट कर लेते हैं, मैंने लेट कर लिया एक्स आई वाई जे, जब कभी भी आपको वेक्टर निकालना हो उसको लेट कर लेना। अगर डी ए के परपेंडिकुलर है तो पक्की बात है डी डॉट ए ज़ीरो होगा। भाई दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहते हैं तो उनका डॉट क्या होता है, ज़ीरो होता है। और डी डॉट बी भी क्या होगा, ज़ीरो। और सी डॉट डी कितना दिया हुआ है, 15। तो पहले आप डी और ए का डॉट निकालो, इन दोनों का कैसे निकालते हैं डॉट, एक्स आई वाले को आई वाले से, एक्स को वन से करूँगा एक्स, जे वाले को जे वाले से 4y, के वाले को के वाले से 2z, ये ज़ीरो हो गया। अब डी डॉट बी, बी और डी, तो आई को आई से 3x, जे को जे से 2y, के को के से 7z, फिर सी डॉट डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 को x से 2x, माइनस 1 को y से माइनस y, और 4 को z से 4z, ये 15 दिया हुआ है। अब आपके पास तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हैं, इसको सॉल्व करके हम एक्स वाई जेड निकालेंगे। सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं 1 एंड 2, एक्स प्लस 4y प्लस 2z 0, 3x माइनस 2y प्लस 7z 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करूँगा, मैं y को कर रहा हूँ, इसको 2 से कर दिया, तो x प्लस 4y प्लस 2z 6x माइनस 4y प्लस 14z, ये गया, ये हो जाएगा 7x प्लस 16z इक्वल टू 0। ये नई इक्वेशन बन गई। ऐसे ही अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन सॉल्विंग 2 एंड 3। अब 2 और 3 को भी सॉल्व करता हूँ, 3x माइनस 2y 0 और ये हो जाएगा 2x माइनस y 15। तो इसको भी y को एलिमिनेट कर रहा हूँ, इंटू 2 कर दो, तो 3x माइनस 2y प्लस 7z 0, 4x माइनस 2y प्लस 8z 30, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये गया माइनस का x माइनस का z माइनस का 30, माइनस कॉमन लेके कट कर दो, x प्लस z हो गया 30, यहाँ से z की वैल्यू निकाल लो 30 माइनस x, z की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो इसके अंदर। 1, 2, 3 मान लेते ना, इसको 4 इक्वेशन मान लो, इसको 5th मान लो। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू 30 माइनस एस एक्स इन इक्वेशन नंबर 4। 4 में डाल दो इसको, यहाँ डाल दो 7x और z की वैल्यू है 30 माइनस एक्स बराबर 0। 7x 480 माइनस 16x,
तो कितना हो गया, 16 में से 9 हो गए, 480 माइनस का 9x, 480 इक्वल टू 9x, 480 बाय 9 इक्वल टू x। तीन के टेबल में ये जा रहा है तीन पर, और तीन के टेबल में ये जा रहा है वन पर, सिक्स पर, जीरो पर, x आ गया 160 बाय 3, x आ गया, x आ गया तो z भी आ जाएगा। 30 माइनस 160 बाय 3 तो ये हो जाएगा 90 माइनस 70 बाय 3 आ गया, एक्स आ गया, जेड आ गया, अभी वाई चाहिए भाई, अभी वाई चाहिए। तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं पहले वाली इक्वेशन में, एक्स प्लस 4 वाई प्लस 2 जेड 0 है ना, एक्स प्लस 4 वाई प्लस 2 जेड 0 है ना, तो एक्स तो आ चुका है 160 बाय 3, वाई मेरे को चाहिए, और जेड आ चुका है माइनस 70 बाय 3, तो ये हो गया 160 बाय 3 माइनस 140 बाय 3 प्लस 4 वाई, तो ये हो गया 20 बाय 3 प्लस 4 वाई, 20 बाय 3 उधर जाकर माइनस 20 बाय 3, तो y आ गया माइनस 5 बाय 3, एक्स वाई जेड तीनों आ गए। तो d वेक्टर क्या माना था, एक्स आई वाई जे और जेड के, एक्स कितना आया था 160 बाय 3 आई कैप माइनस 5 बाय 3 जे कैप और 70 बाय 3 के कैप। ठीक है भाई, अगले भी चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 देखो भाई, 13 भी एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार, यहीं पे करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, बोल रहा है द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर। देखो भाई कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, ध्यान से समझना, बोल रहा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, ये एक वेक्टर है, इसको ए मान लेते हैं, ए वेक्टर क्या है, आई प्लस जे प्लस के, ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के सम के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है, ये बी मान लो, ये सी मान लो, फिर से सुनो, 2i प्लस 4j माइनस 5k लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम करो जरा, इसको d मान लेता हूं, तो 2 प्लस लैम्डा i 6j माइनस 2k, ये d मान लिया, बोल रहा है इन दोनों का जो सम है उसका यूनिट वेक्टर, देखो भाई सुनो फिर से, बोल रहा है ये वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ, इन दोनों का जो सम है उसका यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालो जरा, डी का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा 36 4 40 44, तो वह इसको क्या करो, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड, यूनिट वेक्टर आ गया 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k अपॉन में अंडर रूट में लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। फिर से आप समझ लो, बोल रहा है इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के, इन दोनों का सम का जो यूनिट वेक्टर है, यानी कि a का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इसके साथ, d के साथ, वो बोल रहा है 1 है। देख लो भाई, पढ़ लो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ, इन दोनों के सम के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है और इसका डॉट प्रोडक्ट 1 है, लैम्डा बताओ, तो ए वेक्टर पुट करो भाई, आई प्लस जे प्लस के, डॉट ये क्या है, 2 प्लस लैम्डा आई 6j माइनस 2k अपॉन में अंडर रूट में लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, इनका डॉट है 1। अब लैम्डा चाहिए ना, तो मैं इसको तो उधर लेके जा रहा हूँ, इधर अब आई वाले को आई वाले से करो, तो 1 को 2 प्लस लैम्डा से करूँगा, तो आएगा 2 प्लस लैम्डा, यहीं पे कर देता हूँ,
फिर 1 को 6 से करा 6, 1 को माइनस 2 से करा माइनस 2, अपॉन में अंडर रूट में लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, 2 से 2 गया लैम्डा प्लस 6 अंडर रूट, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर, इसका रूट गायब। इसका फॉर्मूला खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये गया, ये इधर आकर 8 बचा और ये उधर जाकर 8 बचा, तो लैम्डा कितना आ गया, तो लैम्डा होगा भाई 1। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा अभी 13 14 देखो भाई, बोल रहा है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, ए बी सी तीन वेक्टर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के है, सी ए के है, ए बी के है, बी सी के है, सी ए के है, और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। बोल रहा है शो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी। फिर से समझ लो, बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ये ए के साथ जो एंगल बना रहा है, बी के साथ जो बना रहा है, सी के साथ जो बना रहा है, ये तीनों सेम है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। ये जो वेक्टर है ए के साथ जो एंगल बनाएगा, बी के साथ जो बनाएगा, सी के साथ जो बनाएगा, वो तीनों एंगल क्या है, सेम, ऐसा हमको प्रूफ करना है। देखो भाई तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, ए डॉट बी इसका जीरो है, बी डॉट सी जीरो है, सी डॉट ए जीरो है, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए जीरो है, तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। सबसे पहले हम निकालते हैं एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, दोनों का डॉट अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड, यही होता है फॉर्मूला, दोनों का डॉट अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए और ये हो जाएगा बी डॉट ए और ये हो जाएगा सी डॉट ए और ये ए प्लस बी प्लस सी और ये, तो भाई ए डॉट ए को आप लिख सकते हो मॉड ए का स्क्वायर और ये तो बी डॉट ए और सी डॉट ए तो जीरो है, देखो ऊपर बताया था ना, ए डॉट बी, बी डॉट ए बात एक ही होती है, जीरो है, और नीचे का चल रहा है मॉड ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में मॉड ए, तो ये कट गया, तो कॉस थीटा वन कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस, तो जब मैंने इन दोनों के बीच में एंगल निकाला इन दोनों के बीच में, तो आंसर क्या आया, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। अब जब आप इन दोनों के बीच में एंगल निकालोगे, एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड कॉस थीटा टू, तो यहां पर भी सेम प्रोसीजर होगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, आंसर क्या आएगा, मॉड बी ऊपर और मॉड ए प्लस बी प्लस सी नीचे। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ, नहीं आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, पेपर में आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे मैंने इन दोनों के बीच में एंगल निकाला, वैसे इन बी और इसके और बी के बीच में निकालोगे, वैसे इसके और सी के बीच में निकालोगे, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। ऐसी तीसरे वाले के साथ क्या होगा, मॉड सी अपॉन में मॉड ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो भाई इसको 1, इसको 2, इसको 3 मान लो, लिखो फ्रॉम 1, 2 एंड 3। देखो भाई तीनों के डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, तीनों के न्यूमरेटर सेम दे रखे हैं, तो यानी कि तीनों का RHS सेम हो गया, तो तीनों के LHS भी क्या हो गए, cos थीटा 1, cos थीटा 2, cos थीटा 3, तीनों के सेम हो गए ना LHS, तो cos काट दो, तो तीनों के एंगल क्या हो गए, तो प्रूव हो गया ये तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है।
क्वेश्चन नंबर 15। फिफ्टीन में बोल रहा है प्रूव दैट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी किसके बराबर होगा, ये थोड़ा मिटा हुआ है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, बोल रहा है इसके बराबर होगा, ऐसा प्रूफ करो कब, जब ए और बी परपेंडिकुलर है, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो ये इसके इक्वल तभी होगा जब ये ए और बी परपेंडिकुलर है, यानी कि उनका डॉट क्या है, जी। तो अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, इसको सॉल्व करते हैं, पहले ए को ए से करूंगा ए डॉट ए, ए को बी से करूंगा ए डॉट बी, बी को ए से करूंगा बी डॉट ए, बी को बी से करूंगा बी डॉट बी। तो ये तो हो गया मॉड ए स्क्वायर, और ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख दो, और ये हो गया मॉड बी स्क्वायर। तो ये हो गया मॉड ए स्क्वायर टू ए डॉट बी मॉड बी स्क्वायर। तो भाई अगर ये जीरो होगा तभी तो इसके बराबर आएगा। तो इफ ए डॉट बी इज जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, तभी बराबर होगा, तभी तो ये होगा इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट जीरो होगा, ये चीज जीरो होगी, तभी इसके बराबर आएगा ये। ठीक है भाई, 15 हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर हैं ए और बी, थीटा उनके बीच में एंगल है, बोल रहा है ए डॉट बी, क्वेश्चन नंबर 16, ए डॉट बी जीरो से बड़ा कब होगा, जब थीटा किसके बीच में लाई करेगा। तो भाई ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। देखो भाई ये तो नंबर है ना, ये कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब कॉस जीरो से ज्यादा है, जब कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। देखो भाई फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं ना, तो इसका आंसर तभी पॉजिटिव आ सकता है व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि थीटा अगर जीरो से पाई बाय टू के बीच में है तभी ये पॉजिटिव होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। 17 बोल रहा है ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, तो अगर यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। थीटा उनके बीच में एंगल है, ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है, यानी कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, 1। बोल रहा है थीटा बताओ, थीटा क्या होगा। तो भाई इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब आपने मैंने आपको पढ़ा रखा है ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो होता है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो इसको दो बार करके लिख सकता हूँ ना, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, और ये तो 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ए डॉट ए क्या हो गया, मॉड ए स्क्वायर, ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी कितना हो गया, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये भी 1 हो गया। तो ये कितना है, 1, ए डॉट बी, बी डॉट ए कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो 2 ए डॉट बी, ये भी 1, 1 से 1 कट गया, और ये प्लस का 1 उधर जाकर माइनस, ए डॉट बी हो गया माइनस 1/2। ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये भी 1 है, ये भी 1 है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो गया, माइनस हाफ। अब हाफ कब आता है भाई कॉस में, ये आता है पाई बाय 3 पर, लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो अगर इसको मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा इसको कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, तो कॉस कॉस कट गया, आंसर कितना आया, 2π/3। ये आपको 11th की ट्रिक को थोड़ी सीखनी पड़ेगी, अगर जिस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई, तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, नेगेटिव कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, नेगेटिव कॉस थीटा। तो यहाँ पे नेगेटिव कॉस थीटा लिखा था मैंने, इसको ऐसे लिख दिया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो थीटा आ गया 2π/3, 2π/3 ऑप्शन है 4th, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है,
आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के डॉट आई क्रॉस जे, बोल रहा है आंसर बताओ। तो भाई जे क्रॉस के, जे और के क्या देते हैं, तीसरा वेक्टर आई। लेकिन अब अगर उल्टा जाओगे आप आई और के तो वो जे देगा, वो भी नेगेटिव। अगर ऐसे चल रहे हो तो पॉजिटिव मिलता है आंसर, उल्टा चलोगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो आई क्रॉस के क्या देगा, माइनस जे, और आई जे क्या देगा, के। तो आई डॉट आई वन, और ये माइनस वन, ये वन, तो वन वन गया जीरो। ठीक है भाई, तो ऑप्शन कौन सा है, वन वन ऑप्शन सी, सी करेक्ट है। और 18 में क्या बोल रहा है, 19 में लास्ट बोल रहा है थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल है ये। बोल रहा है अगर दोनों के ए डॉट बी ए क्रॉस बी बराबर है तो थीटा क्या होगा। ए डॉट बी और ए क्रॉस बी अगर बराबर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोड ए मोड बी कॉस थीटा, इसका मोड ए मोड बी साइन थीटा। यूनिट वेक्टर है क्योंकि मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर भी आता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, इसलिए नहीं लिया। तो मॉड ए मॉड भी कट गया, साइन नीचे ले गया, कॉट हो गया 1, 1 कब आता है पाई बाय 4 पर। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, तो अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत लगी हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी पार्ट अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करें। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।